सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डासमन फोटोग्राफी। सो गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का छठ पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग को वह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को सिंपली वॉच कर सकते हैं। और इस वाले फोटो को हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करके एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का छठ पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सीखना, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। और जरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चले गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने जितना भी बैकग्राउंड एनपीएनजी का यूज किया है सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वाले बैकग्राउंड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम टूल्स आइकन पर क्लिक करके, यहाँ से हम रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने बैकग्राउंड को मैक्सिमम साइज में रिसाइज कर लेंगे। बैकग्राउंड रिसाइज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक गर्ल पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले गर्ल पीएनजी को हम लोग ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से हम थोड़ा जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ की साइड एडजस्ट कर लेंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लेंगे और इसको भी कुछ इस प्रकार से जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ की साइड एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक वाटर के पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इस वाले पीएनजी को हम लोग ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम नीचे की ओर एडजस्ट कर लेंगे और इसके ओपेसिटी को थोड़ा हम कम कर लेते हैं और सिंपली मैं इसको डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक तिलक की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले हम तिलक पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा क्रॉप करके या इरेज करके कुछ इस तरह से यहाँ से इसको डन करके कुछ इस तरह से इसको हम जूम आउट करके अपने मॉडल के फेस पर हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब सिंपली मैं इसको डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक ट्री की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले हम ट्री पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके राइट साइड में हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम लेफ्ट साइड में भी एडजस्ट कर लेंगे। अब सिंपली मैं इसको डन कर देंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेंगे और यहां से इसको हम डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक दिया की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले पीएनजी को हम लोग ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लेंगे यहाँ की साइड और थोड़ा डुप्लीकेट करके इसको कुछ इस तरह से इसको हम नीचे की ओर करके शैडो भी क्रिएट कर लेंगे। अब इसी तरह सेम हम राइट साइड में भी कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे।
और यहाँ से सिंपली हम इसको डन कर देंगे। अब सिंपली हम यहाँ से ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे और इस वाले फ़ोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो ओपन हो जाने का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा हम डिक्रीज कर देंगे और हाईलाइट को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे और थोड़ा शैडो भी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा वाइट्स को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके यहाँ से हम ऑरेंज कलर पर क्लिक करके इसके सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे और इसके लुमिनस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ से हम ब्लू कलर पर क्लिक करके इसके भी सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसके ह्यू को थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर पर क्लिक करके इसके सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और इसके ह्यू को हम फुल इंक्रीज करेंगे। अब सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम इफेक्ट टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा विग्रेट को ऐड करेंगे और थोड़ा टेक्सचर एंड क्वालिटी को भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब शार्पनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा शार्पनेस को ऐड करेंगे और थोड़ा डिटेल्स को भी इंक्रीज कर लेंगे और थोड़ा नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब हम सिंपली यहाँ शेयर टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और पार्ट 1 का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।